मंदसौर गांधीचौराहे स्थित विश्वपति शिवालय मंदिर में महिलाओं ने घर में सुख शांति को लेकर आंवला नवमी पर की आंवले पेड़ की पूजा। मंदसौर गांधीचौराहे स्थित विश्वपति शिवालय मंदिर में आज बड़ी संख्या में महिलाओं ने घर में सुख शांति को लेकर एवं खुशहाली को लेकर आंवला नवमी पर आंवले पेड़ की पूजा अर्चना की है। महिलाओं ने आंवले पेड़ की परिक्रमा भी लगाई। महिलाओं को योशिता दुबे द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई जा रही है और योशिता दुबे द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बुधवार को बताया कि कार्तिक माह के नवमी में यह आंवला नवमी आती है और महिलाएं घर में सुख शांति और खुशहाली को लेकर यह पूजा अर्चना करती है और महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करती है और कई तरह की पूजा सामग्री भी मिठाई एवं अन्य सामग्री चढ़ती है। पूजा करने आई श्रद्धालु रुचि काला द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि घर में सुख शांति और खुशहाली को लेकर यह पूजा अर्चना की जाती है और कई तरह के पकवान बनाकर भगवान एवं आंवले पेड़ की पूजा अर्चना कर चढ़ाए जाते हैं। दीपावली के बाद जो नौवां दिन आता है उस दिन यह पूजा अर्चना की जाती है और आंवले का भोग एवं एक पूरा कद्दू का भोग लगाया जाता है एवं आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना कर नौ बिंदी लगी जाती है और आंवले के पेड़ के आसपास नौ परिक्रमा लगाई जाती हैं। आंवला नवमी कार्तिक माह की नवमी के दिन आती है। आज के दिन से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था और आज के दिन सारी सौभाग्यवती महिलाएं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए व्रत करती है। इसमें राधा दामोदर जी शिव शक्ति सबका वास रहता है और यहाँ आंवला के वृक्ष के नीचे ही बैठकर भोजन करना रहता है। आज आंवला की पूजा की जाती है। दिवाली के बाद जो नौवा दिन जाता है उस दिन आंवले की पूजा की जाती है। आज आंवले का महत्व बहुत रहता है क्योंकि ये सुख शांति के लिए घर की सुख शांति के लिए की जाती है, अपनी वंश वृद्धि के लिए की जाती है। आज आंवले का भी भोग लगाया जाता है और साथ साथ में एक पूरा जो कद्दू होता है वो भी भगवान को चढ़ाया जाता है और परिक्रमा लेते हैं, नौ बिंदी लगाते हैं कंकू की और मेहंदी की ताकि हमारे घर में पूरी सुख शांति हो। साथ ही साथ कथा का भी हम सुनते हैं सभी लोग। आंवले के वृक्ष को क्या क्या चढ़ाया जाता है? आंवले के वृक्ष को आंवला चढ़ाया जाता है क्योंकि आंवले की वृक्ष की पूजा कर रहे हैं इसलिए आंवला भी चढ़ाया जाता है और मीठे में आप चाहें तो खील पताशे या मिठाई कुछ भी चढ़ाते हैं और कद्दू पूरा चढ़ाया जाता है क्योंकि उन्हीं का भोग लगता है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के नीचे भोजन किया जाता है, ऐसी मान्यता है क्योंकि इससे अच्छा रहता है। और देखिए आप देख सकते हैं कि लेडीज़ें भी यहाँ पर बहुत सारी नीचे बैठ के और पूजा कर रही हैं, कुछ भोजन कर रही हैं।